तो चलिए न्यूज ब्लास्ट का रुख करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर निशाना। इस पर पोस्ट पर कहा कि 50 सालों में सबसे कम हुई जनता की बचत। ये भी कहा कि मोदी सरकार में अच्छे दिनों की ऐसी चपत लगी है, महंगाई के द्वारा महालूट की जा रही है, गिरती आमदनी व बढ़ती उधारी इसका मुख्य कारण है। मोदी सरकार ने न सिर्फ एक आम परिवार के घर के बजट को बिगाड़ा है, बल्कि घरेलू बचत कम होना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद हानिकारक है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार चाहे महिलाओं समेत हर वर्ग के लिए जितने भी चुनावी स्टंट कर ले, देश की जनता भाजपा के द्वारा प्रायोजित बेरोजगारी, महंगाई, असमानता, मुनाफाखोरी और जुमलों की झड़ी को नहीं भूलेगी। 2024 में खत्म होगा जनता को सताने का यह अध्याय, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, एक ही उपाय। तमाम सारी बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट के दौरान कही। ताजमहल से 3 गुना ज्यादा मजदूरों ने बनाया है नया संसद भवन। 10 दिसंबर 2020 को आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला को रखा था और 15 जनवरी 2021 से निर्माण कार्य शुरू हुआ। महज 2.5 वर्ष में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 64,500 वर्ग मीटर में 4 मंजिला नया संसद भवन बना दिया गया। 60,000 मजदूर लगे, 20,000 मजदूरों ने ताजमहल बनाया और उससे ज्यादा यानी कि 60,000 मजदूर, इसमें 3 गुना ज्यादा मजदूर लगे और उन्होंने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के इस रिकॉर्ड को तोड़ा। नया संसद भवन बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया। लोकसभा की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो 888, राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था इस नए संसद भवन में की गई। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। मंदिर के 3 प्लेटफॉर्म सिंह द्वार, गज द्वार और हनुमान व गरुड़ द्वार, तीनों दरवाजों पर होगा श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत। 5 मंडपों से गुजरते हुए रामलला के दर्शन श्रद्धालु कर पाएंगे। कुल 350 खंभे, तल मंजिल पर 170 खंभे, हर खंभे पर 25 से 30 चित्र भी उकेरे जाएंगे। मंदिर के खंभों पर चित्रों के जरिए पूरी राम कथा दर्शाई जाएगी। सभी मंडपों का निर्माण 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र इसकी लगातार जानकारी जुटा रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।